एनसीआर समेत देश के कई इलाकों में हवा जहरीली हो गई है, इसलिए सतर्कता नहीं बरते तो सेहत पर बहुत बुरा असर हो सकता है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने भी लोगों से सावधानियां बरतने की अपील कर दी है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के महानिदेशक डॉक्टर अतुल गोयल ने सभी को हवा की खराब क्वालिटी को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने बताया है कि कैसे हवा प्रदूषण सेहत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाता है, खासकर आने वाले त्योहारों और सर्दियों के मौसम में। डॉक्टर गोयल के मुताबिक देश के कई हिस्सों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI पहले से ही मध्यम से खराब श्रेणी में पहुंच गया है। त्योहारों और सर्दियों में प्रदूषण बढ़ने की भी आशंका है, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। वायु प्रदूषण सांस, दिल और दिमाग से जुड़ी बीमारियों का एक बड़ा कारण है। ये पुरानी बीमारियों को और भी बदतर बना सकता है और असमय जान जाने का भी खतरा बढ़ सकता है। बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, पहले से बीमार लोगों के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस और सफाई कर्मचारी जैसे लोग प्रदूषण के खतरों के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं। डॉक्टर गोयल ने अपनी चिट्ठी में इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए सभी राज्य सरकारों से, स्वास्थ्य विभागों और अस्पतालों से भी तैयारी बढ़ाने का आग्रह किया है। उन्होंने जन जागरूकता अभियान चलाने, क्षेत्रीय भाषाओं में मीडिया के जरिए जरूरी जानकारी देने, स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित करने और वायु प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों की निगरानी प्रणाली को मजबूत बनाने पर जोर दिया है। डॉक्टर गोयल ने अपनी चिट्ठी में कहा है कि इस समय लोगों को हवा की गुणवत्ता को और खराब होने से बचाने के तरीकों के बारे में जागरूक करना बेहद जरूरी है। ऐसे में अब आप ये जान लीजिए कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आइए पहले एक नजर डालते हैं कि आपको क्या नहीं करना है। पराली और कचरा जलाने से बचें, त्योहारों के दौरान पटाखे कम चलाएं, निजी वाहनों का उपयोग न करें, डीजल जनरेटर नहीं चलाएं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, खेलकूद जैसे बाहरी गतिविधियों से भी बचें। अब एक बार उन चीजों पर नजर डाल लेते हैं जो आप कर सकते हैं। बाहर निकलने से पहले सरकारी मोबाइल ऐप के जरिए AQI जरूर जांचें। घर में खाना पकाने, रोशनी और गर्मी के लिए स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल करें। वायु प्रदूषण के कारण परेशानी हो या लक्षण दिखें तो डॉक्टर से संपर्क जरूर कर लें। सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें, धूम्रपान छोड़ने के उपाय भी करें। डॉक्टर गोयल का सुझाव है कि लोग घर से बाहर निकलने से पहले सरकारी मोबाइल ऐप के जरिए हवा की गुणवत्ता यानी AQI एक बार जरूर जांच कर लें। अगर किसी को वायु प्रदूषण के कारण कोई परेशानी या लक्षण दिखाई देते हैं तो अपने डॉक्टर से संपर्क करना ना भूलें।